मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेलखाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है, और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया, इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उसकाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी मां के पास ले गई, और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के 4th पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुंचे, और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए, और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए।